Guys, good morning. I'm Mr. V.K. Sharma from Icon School. आप सभी का स्वागत है, वेलकम आपकी आइकॉन इंग्लिश क्लासेस में. कल जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको डू का यूज पढ़ाया था और आज हम आपको टच का यूज पढ़ाएंगे. तो एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, हमने कल क्या पढ़ाया था टू के यूज में. जनरली ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम डेली करते हैं, जो हमारे लाइफ में डेली यूज होते हैं, उन्हें हम लाइफ सेंटेंस कहते हैं. और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम एक्शन फर्स्ट का उपयोग करते हैं. जैसे कि कल मैंने पढ़ाया, उसको मैं रिपीट करना चाहता हूं. जैसे आई टेक टी, इसका नेगेटिव हमने बनाया था आई डोंट टेक टी. इंट्रोगेटिव डू यू टेक टी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू यू नॉट टेक टी. तो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे द यूज ऑफ डस. आज हम आपको डस पढ़ाएंगे. जरा ध्यान से देखिएगा, ये ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको द यूज ऑफ डस पढ़ाना वाला. तो जनरली हम सिंगुलर जब एक वचन करता होता है तो उनके साथ हम जनरली डस का उपयोग करते हैं. जैसे हम कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई एक्शन लिया गेट अप, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ही गेट्स अप अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली. अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कहां पे हम एस या और ईएस लगाते हैं. तो इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं. जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, ज्यादा ध्यान से देखना, एस एच सी एच एक्स ओ जेड या डबल एस आई, उनमें हम एस लगाते हैं. से सभी के साथ हम एस का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? जिन मुख्य क्रियाओं के साथ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान सुन, जिन मुख्य क्रियाओं में एस एच सी एच एक्स ओ जेड डबल एस आई, उनमें हम एस लगाते हैं. और से सभी क्रियाओं के साथ हम एस लगाते हैं. अब हमने स्वीकारत्मक बनाया, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, ही गेट्स अप अर्ली. इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डजंट गेट अप अर्ली, ही डजंट गेट अप अर्ली. अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको करना क्या होगा, इस डज को बाहर निकालेंगे और नॉट को हटा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा. पहला अक्षर आपका कैपिटल आना चाहिए. डस ही गेट अप अर्ली. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, इस कर्ता के बाद नॉट लगा देना, जिससे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा. डस ही नॉट गेट अप अर्ली. एक बार मैं इनको पुनः दोबारा बताना चाहता हूं. वह जल्दी उठता है, he gets up early. वह जल्दी नहीं उठता है, he doesn't get up early. क्या वह जल्दी उठता है, does he get up early? और क्या वह जल्दी नहीं उठता है, does he not get up early? अब इसी प्रकार हम कई एक्शंस को हम मैं यहां पे दे रहा हूं, जिनको आपको होम पे प्रैक्टिस करनी है, जिनको आपको बनाना है. मैं उन एक्शंस को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख. ब्रश टीथ, अच्छी बात है, सुबह उठकर के हमें ब्रश करना चाहिए. तो कैसे बनाएंगे, ही ब्रशेस टीथ, वह टीथों को ब्रश करता है. नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो ही डजंट ब्रश टीथ, वह टीथ को ब्रश नहीं करता. और इंट्रोगेटिव डज ही ब्रश टीथ, और इंट्रोगेटिव डज ही नॉट ब्रश. अब अगला एक्शन मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि स्नान करना. स्नान करने को बोलते हैं टेक बाथ. आपको करना क्या, आपको वर्क कैसे करना है, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से आपको फोर फोर सेंटेंस इससे बनाना. अब टेक बाथ के चारों सेंटेंस, वह स्नान करता है, वह स्नान नहीं करता है, क्या वह स्नान करता है, क्या वह स्नान नहीं करता है. तो he takes bath, he doesn't take bath, does he take bath and does he not take bath.
इस तरीके से इसके चारों सेंटेंस आपके बन गए। अगला है जैसे कि नाश्ता लेना, टेक ब्रेकफास्ट। आपको स्टडी कैसे करना है, एग्जाम्पल लिखेंगे, ऊपर डू लिखेंगे, डू के बाद में ये एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इनको देख करके आपको इनसे चार चार सेंटेंस आपको बनाना है। नाश्ता करना, वह नाश्ता करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता नहीं करता है, ही डजंट टेक ब्रेकफास्ट। क्या वह नाश्ता करता है, डज ही टेक ब्रेकफास्ट। क्या वह नाश्ता नहीं करता है, डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार हम अगला एक्शन लेंगे, वो है हमारा दूसरों की मदद करना। क्या बोलेंगे उसको, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस इतना करना है, अपने घर पे बैठ करके इस टाइम को यूज करना है, आपको चार सेंटेंस बनाने हैं हेल्प अदर्स से, जैसे मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ टच की सहायता से। ही हेल्प्स अदर्स, वह दूसरों की मदद करता है। नेगेटिव, वह दूसरों की मदद नहीं करता है, ही डजंट हेल्प अदर्स। इंट्रोगेटिव, क्या वह दूसरों की मदद करता है, डज ही हेल्प अदर्स। क्या वह दूसरों की मदद नहीं करता है, डज ही नॉट हेल्प अदर्स। नेक्स्ट है, अगला एक्शन है हमारा ओबे पेरेंट्स। हर एक्शन को आप ध्यान से देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको आपको डज की सहायता से वही चार सेंटेंस बनाइए। वह अपने माता पिता का कहना मानता है, he obeys his parents। वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, he doesn't obey his parents। क्या वह अपने माता पिता का कहना मानता है, does he obey his parents। क्या वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, does he not obey his parents। Understand? समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जैसे कि mop the house, मॉप द हाउस का मतलब जानते हो, मॉप द हाउस का मतलब होता है घर के पोछा लगाना। अब यहां पे आप ही की जगह आप शी भी ला सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं, एक वचन होना चाहिए। जैसे आप किसी का नेम लिख सकते हैं, जैसे सीता मॉप द हाउस, सीता घर का पोछा लगाती है। नेगेटिव बनाओ, सोचो आपके माइंड में, सीता doesn't mop the house। इंटरोगेटिव बनाओ, does Sita mop the house। इंटरोगेटिव नेगेटिव, does Sita not mop the house। क्या सीता घर के पोछा नहीं लगाती है। तो आपको स्टडी कैसे करना है, ब्रश के फोर सेंटेंस, इसके फोर, इसके फोर, इसके फोर, इसके फोर, इसके फोर, आपको प्रैक्टिस करना है, टू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगला एक्शन लीजिए आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं और फटाफट आपके माइंड में बन जानी चाहिए, वॉच टीवी। वह टीवी देखता है, बनाइए, ही वॉचेस टीवी। क्या आएगा, एस के ई एस, सी एच एन अंत में, तो क्या आएगा, ई एस, ही वॉचेस टीवी। नेगेटिव बनाओ, वह टीवी नहीं देखता है, ही डजंट वॉच टीवी। जैसे नेगेटिव बनाएंगे एस के ई एस नहीं लगेगा, He doesn't watch TV। Introverted, does he watch TV? क्या वह टीवी देखता है? Introverted negative, क्या वह टीवी नहीं देखता है? Does he not watch TV? इसके बाद में लिखिए अगला एक्शन हम लिखते हैं, learn lessons। पाठ याद करना, He learns his lessons। वह अपने पाठ याद करता है। नेगेटिव बनाओगे, कैसे बनाओगे, ही डजंट लर्न हिज लेसंस। वे अपने पाठ याद नहीं करता है। इंट्रोगेटिव, डज ही लर्न हिज लेसंस, क्या वे अपने पाठ याद करता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट लर्न हिज लेसंस। अगला, कपड़े धोना, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने 9 आपको एक्शंस दिए हैं, एक एक्शन और दूंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। वॉश द क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है, वह कपड़े नहीं धोता है, क्या वह कपड़े धोता है, क्या वह कपड़े नहीं धोता है, प्रैक्टिस करना है आपको। ही वॉशेस द क्लॉथ्स, ही डजंट वॉश द क्लॉथ्स, डज ही वॉश द क्लॉथ्स, डज ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अगला, प्ले
आजकल आप फ्री होंगे होम पर, लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो ही प्लेस लूडो, ही डजंट प्ले लूडो, डज ही प्ले लूडो, डज ही नॉट प्ले। अब आप मेरे साथ एक बार पूरे फास्ट रीडिंग करेंगे, ब्रश टीथ, ही ब्रशेस टीथ, ही डजंट ब्रश टीथ, डज ही ब्रश टीथ, डज ही नॉट ब्रश टीथ, टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, ही डजंट टेक बाथ, डज ही टेक बाथ, डज ही नॉट टेक बाथ, take breakfast, he takes breakfast, he doesn't take breakfast, does he take breakfast, does he not take breakfast, help others, he helps others, he doesn't help others, does he help others, does he not help others, obey parents, he obeys parents, he doesn't obey his parents, does he obey parents, does he not obey his parents, mop the house, he mops the house, she mops the house, she doesn't mop the house, does she mop the house, does she not mop the house, she watches TV, she doesn't watch TV, does she watch TV, does she not watch TV, learn a lesson, she learns lesson, she doesn't learn lesson, does she learn lesson, does she not learn lesson, wash the clothes, she washes the clothes, she doesn't wash the clothes, does she wash the clothes, does she not wash the clothes, play Ludo, he plays Ludo, he doesn't play Ludo, does he play Ludo, does he not play Ludo, so guys, आज मैंने आपको 10 पढ़ाया, आपको होम पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके स्टडी करना है और इन एक्शंस का आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना करके अपने पेरेंट्स से चेक करवाना है। थैंक यू, धन्यवाद, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।